Hey, what's up guys? आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही खास चीज की अनबॉक्सिंग जो है हमारा Patreon Base Buds Pro. So guys, ये मेरे को आज सुबह Amazon से मिला है और ये मेरे को 1500 का पड़ा है. तो चलिए दोस्तों खोलते हैं इसको, देखते हैं इसके अंदर क्या है. So guys, ये रहा हमारा बॉक्स और चलो उसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर. सो गाइस, ये रहा अपना बॉक्स जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन और शार्प. और यहाँ पे लिखा भी हुआ है Patreon Base Buds Pro ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स. सो गाइस, लेट्स ओपन दिस और देखते हैं अब इसके अंदर क्या है. खुल जा सिम सिम. ओहो गाइस, देख रहे यार कितना प्यारा लग रहा है. गाइस, इस बॉक्स में आपको मिला है यहाँ पे दो ईयरबड्स, एक चार्जिंग केस और ये रहा तुम्हारा सी टाइप चार्जिंग. मतलब यार सी टाइप चार्जिंग तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब फास्ट चार्जिंग हो जाएगी. और साथ ही साथ इसमें दिया हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स कान छोटे बड़े के लिए. सो गाइस, ईयरपॉड्स तो आप देख ही सकते हो कितना छोटा और कॉम्पैक्ट साइज है इसका. मतलब दिखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका जो चार्जिंग केस है. गाइस, अगर डायमेंशन और वेट की बात करें तो 6mm के ड्राइवर्स मिलते हैं आपको इस ईयरबड्स में. और इसका जो चार्जिंग केस है, चार्जिंग केस का वेट 27 ग्राम. और अगर ईयरबड्स की बात करें तो ईच ईयरबड्स इसका 4 ग्राम का, मतलब टोटल ये पूरा 35 ग्राम का सामान है. बहुत कम और लाइट वेट है, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का ईयरफोन्स ईयरबड्स दिए हमें, जो कि काफ़ी इंप्रेसिंग है और मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी फीचर्स के बारे में तो सबसे जो आई कैचिंग फीचर है वो इसका LCD डिस्प्ले, जो कि आप देख सकते हैं ईयरबड्स लगे हुए कितना प्यारा लग रहा है और चार्जिंग होते हुए दिख रहा है, कितना कूल लग रहा है देखने में. अर्गोफिट मिनी TWS डिज़ाइन के साथ आपको ये ईयरबड्स मिलता है. ट्रूली वायरलेस है, मतलब जहाँ पे आपका डिवाइस है उसके अराउंड 10 मीटर के डिस्टेंस से कवर कर लेता है. इसके बीच में बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है. उसके बाद आपको इसमें स्मार्ट टच कंट्रोल मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है ये स्मार्ट टच कंट्रोल. उसके बाद हाई फाइन स्टीरियो साउंड क्वालिटी मिलती है, मतलब आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. अगर बात करें उसकी बैटरी बैकअप की तो आपको इसमें 300mAh की बैटरी मिल जाती है इस चार्जिंग केस में, जो कि आपको करीब करीब 9 घंटे की बैटरी चार्जिंग देता है, चार्जिंग करके देता है. और इसके बाद अगर आप टोटल कंटिन्यूस म्यूजिक प्ले की बात करें तो करीब करीब 3 घंटे की ये अगर आप कंटिन्यूस को यूज़ करेंगे तो 3 घंटे की आपको प्लेबैक देगा ये, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है. सो गाइस, बात करते हैं अब इसके स्मार्ट टच कंट्रोल की. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको इसको 3 सेकंड तक टच करके रखना है. अगर आपको ऑफ करना है तो आपको 5 सेकंड तक टच करके रखना है. आपको मैं टैप करने की बात नहीं कर रहा, टच करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टच सेंसिटिव है. आपको सिर्फ टच करना है. अगर आपको म्यूजिक प्ले करना है तो आपको सिंगल टच करना है. अगर आपको प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको डबल टैप करना है इस पे. दोस्तों, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है साउंड क्वालिटी. तो भाई, अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तब तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसका जो साउंड है और ये बेस है इसका बहुत ही बढ़िया बेस है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका बेस. और वहीं पर ही अगर आप एक गेमर तो दोस्तों आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि गेमिंग में इसका वॉइस थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. मतलब शूट कर रहे बाद में आवाज़ आ रही है, फुटस्टेप की आवाज़ बाद में आ रही है. तो यही एक चीज़ है जो आपको बताना चाहता था. गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार. और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ की अगर अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगले वीडियो में.